प्यारे बच्चों, नौवीं कक्षा के विज्ञान के थर्ड चैप्टर परमाणु एवं अणु के फर्स्ट लेक्चर में आपका स्वागत है। तो आइए सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि हम इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक कवर करेंगे। सबसे पहले लेक्चर में हम रासायनिक संयोजन के नियमों की जानकारी लेंगे, उसके बाद हम डाल्टन का परमाणु सिद्धांत पढ़ेंगे और उसकी कमियां भी देखेंगे कि डाल्टन का परमाणु सिद्धांत क्या था और उसमें क्या क्या कमियां थी। उसके बाद हम परमाणु, अणु और आयन के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारा, यौगिकों के रासायनिक सूत्र। मैं आपको यहाँ पर विभिन्न यौगिकों के रासायनिक सूत्र लिखने सिखाऊंगा, बहुत ही आसान तरीके से लिखने सिखाऊंगा। और उसके बाद जो है मोल संकल्पना, ये भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अब आइए मैं आपको सबसे पहले ये बताता हूँ कि रासायनिक संयोजन के नियम क्या होते हैं। कि जब भी दो या दो से अधिक पदार्थों की आपस में अभिक्रिया होती है या रासायनिक अभिक्रिया होती है तो वो कुछ न कुछ सिद्धांतों पर आधारित होती है और ये सिद्धांत ही क्या कहलाते हैं, संयोजन के नियम कहलाते हैं। मैंने क्या बताया कि नहीं, दो या दो से अधिक पदार्थों के बीच में जब भी रासायनिक अभिक्रिया होती है तो वो कुछ न कुछ सिद्धांतों पर आधारित होती है और यही सिद्धांत क्या कहलाते हैं, रासायनिक संयोजन के नियम कहलाते हैं। तो वैसे तो हम 11th क्लास में जब जाएंगे तो रासायनिक संयोजन के पांच नियम पढ़ेंगे, लेकिन अब 9th क्लास के सिलेबस में हमारे सिर्फ दो ही नियम हैं। पहला है द्रव्यमान संरक्षण का नियम और दूसरा है शिखर अनुपात का नियम। तो अब हम सिर्फ दो ही नियमों की स्टडी करेंगे और इन पर आधारित जो हमारे एनसीईआरटी बुक में जो क्वेश्चन दिए हुए हैं उनको हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या है। द्रव्यमान संरक्षण का नियम ये कहता है कि मान लेते हैं कि कोई दो पदार्थ आपस में रिएक्ट करते हैं, इनकी अभिक्रिया होती है तो ये कुछ ना कुछ उत्पाद बनाएंगे, कुछ ना कुछ नए पदार्थ बनाएंगे। जैसे सी और डी मान लेते हैं कि नए पदार्थ बना लिए इन्होंने, ठीक। तो यहाँ पर इनका कुछ ना कुछ द्रव्यमान था। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि ए और बी का कुल द्रव्यमान था 100 ग्राम, ठीक। और ये सारे के सारे रिएक्ट होकर के क्या बन गए, सी और डी बन गए। अब रिएक्ट होने के बाद, अभिक्रिया होने के बाद अगर सी और डी का द्रव्यमान भी अगर हम देखेंगे तो कितना बनेगा, 100 ग्राम ही आपको मिलेगा, ठीक। तो द्रव्यमान संरक्षण का ये नियम ये कहता है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो सृजन किया जा सकता है न ही उसका विनाश किया जा सकता है। यानी जितना द्रव्यमान अभिक्रिया होने से पहले था उतना ही अभिक्रिया होने के बाद रहेगा। अब जो पदार्थ आपस में रिएक्ट करते हैं, जिनकी अभिक्रिया होती है, उसको हम कहते हैं अभिकर्मक, अभिकर्मक या अभिकारक भी बोल देते हैं इनको। क्या बोल देते हैं, अभिकारक भी बोल देते हैं। इंग्लिश में इसको कहते हैं रिएक्टेंट्स। और जो पदार्थ नए पदार्थ बने हैं उसको कहते हैं हम उत्पाद, प्रोडक्ट्स। तो अब देखिए कि आपको अभिकर्मक और उत्पाद के बारे में पता लग गया कि ये क्या होते हैं। अब हम द्रव्यमान संरक्षण के नियम को एक और तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकर्मकों के द्रव्यमान का योग उत्पादों के द्रव्यमान के योग के बराबर होता है। तो अभी तक जो मैंने आपको समझाया है, मैंने सभी आपके लिए नोट्स तैयार कर दिए हैं। तो यहाँ से देखिए कि मैंने काफ़ी आसान लैंग्वेज में आपके लिए नोट्स ये तैयार किए हैं। तो अगर आपको ये नोट्स और ये वीडियो पसंद आए तो आप लाइक लुक भी कर दिया करो बीच में, और कोई समस्या हो तो कमेंट भी डाल दिया करो, जहाँ तक हो उसके मैं आपका जवाब भी दूंगा। तो यहाँ द्रव्यमान संरक्षण के नियम की परिभाषा आप देख सकते हैं कि द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार किसी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान न तो सृजन किया जा सकता है न ही विनाश हो सकता है इसका। इसी तरह से किसी
इसका दूसरा रूप जो है किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान अभिक्रमकों के द्रव्यमान का जोड़ उस अभिक्रिया के उत्पादों के द्रव्यमान के जोड़ के बराबर होगा। अब आइए मैं एक सिंपल से उदाहरण के माध्यम से इसको और क्लियर करता हूँ कि जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस है। क्या है? हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस है। जब इन दोनों की अभिक्रिया होगी तो क्या बनेगा? पानी बनेगा, ठीक। और देखिए जब इसको बैलेंस करेंगे तो यहाँ ऑक्सीजन दो यहाँ एक है, तो यहाँ दो लगा देंगे। अब हाइड्रोजन चारों की इधर दो है तो यहाँ दो लग जाएगा, ठीक। तो क्या होता कि हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस मिलकर के क्या बना रहे हैं? पानी बना रहे हैं। तो अगर हम हाइड्रोजन गैस का लेते हैं 4 ग्राम, ऑक्सीजन का लेते हैं 32 ग्राम, ठीक, तो ये पूरा का पूरा रिएक्ट कर जाएगा, ठीक। क्योंकि जैसे ये हम जानते हैं कि पानी में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या होता है, 1:8 में होता है, तो 4×8=32, मैंने 1:8 में लिए इसलिए। तो अगर इसका 4 ग्राम लेंगे, इसका 32 ग्राम लेंगे, तो सारे के सारे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में मिल करके क्या बन जाएगा? पानी बन जाएगा। और पानी का भी अगर आप द्रव्यमान देखोगे तो 4+32 रिएक्ट होने के बाद पानी का जो द्रव्यमान मिलेगा कितना मिलेगा? 36 ग्राम मिलेगा। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि जितना अभिक्रमकों का द्रव्यमान था उतना ही उत्पाद का द्रव्यमान है, ओके। अब देखिए मैं एक उदाहरण और देता हूँ कि मान लेते हैं कि हमारे पास एक बंद बर्तन में बेरियम क्लोराइड है और सोडियम सल्फेट है, ये दो हमारे पास यौगिक हैं। इन दोनों को हमने बंद बर्तन में डाल रखा है और फिर इनकी अभिक्रिया करवाते हैं उसी बंद बर्तन के अंदर ही। तो अभिक्रिया करने से पहले अगर हम उस बर्तन का द्रव्यमान देखें और अभिक्रिया करने के बाद भी द्रव्यमान देखें तो क्या आएगा? सेम आएगा, ठीक। तो इसका मतलब अभिक्रमकों का द्रव्यमान उत्पादों के द्रव्यमान के, अभिक्रमकों के द्रव्यमान का योग अभिकारकों के द्रव्यमानों के योग के बराबर होता है। अब देखिए कि आपको इन यौगिकों के नाम देख करके घबराने की जरूरत नहीं है कि जैसे बेरियम क्लोराइड क्या होता है, जिस उत्तर तो नहीं आता, सोडियम सल्फेट क्या होता है, इस उत्तर तो इसका कैसे लिखेंगे। तो इस चैप्टर के अंदर मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से इनके सभी के सूत्र लिखना भी सिखाऊंगा, आपको चिंता करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। अब देखिए कि द्रव्यमान संरक्षण नियम पर आधारित एक ये छोटा सा संख्यात्मक प्रश्न हमारे एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है, तो इसको एक बार सॉल्व कर लेते हैं। कहता है कि एक अभिक्रिया में 5.3 ग्राम सोडियम कार्बोनेट और 6.0 ग्राम एथेनोइक अम्ल अभिकृत होते हैं। यानी सोडियम कार्बोनेट कितना है? 5.3 ग्राम और एथेनोइक अम्ल कितना है? 6.0 ग्राम। 2.2 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड, 8.2 सोडियम एथेनोइट तथा 0.9 ग्राम जल उत्पाद के रूप में प्राप्त होते हैं। तो 2.2 ग्राम तो होगी कार्बन डाइऑक्साइड, 8.2 ग्राम सोडियम एथेनोइट और 0.9 ग्राम आपको जल मिल गया, ठीक। अब ये कहता है कि इस अभिक्रिया द्वारा दिखाइए कि यह परीक्षण द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुरूप है। तो अभिक्रिया आपको दे रखी है और ये कहता है कि ये जो इसका रिजल्ट है, इसका जो परिणाम है अभिक्रिया का, वो द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार है। तो यहाँ देखिए कि अभिक्रमकों के द्रव्यमान का योग, तो यहाँ पर आप लिखोगे सोडियम कार्बोनेट प्लस एथेनोइक एसिड का द्रव्यमान का योग, तो ये आ जाएगा 5.3 ग्राम प्लस 6.0 ग्राम। जब आप इसको ऐड करोगे तो 3, 6 और 5 11.3 ग्राम मिलेगा। और उत्पादों के द्रव्यमानों का योग कितना आ जाएगा भाई? 8.2 प्लस 2.2 प्लस 0.9। इसको भी देखोगे आप, 2, 9 और 2 11, 11 और 2 13 कैरी 1, 1 और 2 3 और 8 11, 11.3 ग्राम। तो जितना अभिक्रमकों के द्रव्यमानों का योग है उतना ही उत्पादों के द्रव्यमानों का
योग है, इसलिए इसका जो परिणाम है वह द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुरूप है। तो देखिए कि यहाँ पर सॉल्यूशन आपको बहुत अच्छा से लिखना, तो पहले रासायनिक अभिक्रिया लिखिए, ऊपर वाली कॉपी करनी है, उसके बाद अभिकारकों का द्रव्यमान, सोडियम कार्बोनेट का द्रव्यमान प्लस एथेनोइक अम्ल का द्रव्यमान, और इनका योग करके दिखा दो। इसी तरह से उत्पादों के द्रव्यमानों का योग करके दिखा दो। फिर यहाँ पर एक बात लिख दो कि अभिकारकों का कुल द्रव्यमान किसके बराबर हो गया, उत्पादों के कुल द्रव्यमान के बराबर, अतः यह परीक्षण द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुरूप है। अब आगे दूसरा नियम आता है शिथिर अनुपात का नियम। अब शिथिर अनुपात का नियम यह कहता है कि जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास कोई एक यौगिक है, ये यौगिक दो या दो से अधिक तत्वों का मिलकर के बना हुआ हो सकता है, तो ये कहता है कि हरेक यौगिक जो शुद्ध यौगिक है हमारे पास, उसमें सेम टू सेम वही तो तत्व मिलेंगे और फिक्स अनुपात में मिलेंगे, चाहे ये यौगिक जो है हम किसी भी स्रोत से ले लें या किसी भी विधि से इसको तैयार कर लें। ठीक, एक बार फिर से कि एक यौगिक हम बेशक किसी भी स्रोत से लें, किसी भी विधि से तैयार करें, उसमें जो तत्व हैं वो भी निश्चित है और उन तत्वों का अनुपात भी निश्चित है। जैसे पानी है, शुद्ध पानी, शुद्ध पानी में आपको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो ही तत्व मिलेंगे। बेशक ये पानी आप बारिश से लें, कुएं का पानी लें, हैंडपंप से लें, नदी से लें, कहीं से पानी लें, शुद्ध पानी होना चाहिए, तो आपको उसमें यही दो निश्चित तत्व मिलेंगे, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, और द्रव्यमान के अनुसार ये 1:8 में मिले हुए ही आपको मिलेंगे। ठीक, अब चाहे अमाउंट कम ले ज़्यादा ले, मान लेते हैं कि आपने 9 ग्राम पानी ले लिया, 9 ग्राम पानी में 1 ग्राम आपको हाइड्रोजन मिलेगी और 8 ग्राम जो आपको ऑक्सीजन मिलेगी। ठीक, अब इसी तरह से अगर आप ज़्यादा लेते हो तो भी अनुपात यही रहेगा इनका। ठीक, इसी तरह से मान लेते हैं कि हमारे पास अमोनिया एक यौगिक है, NH3। ठीक, अमोनिया में आपको नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दो ही तत्व मिलेंगे और इनका द्रव्यमान के अनुसार 14:3 का अनुपात ही मिलेगा। बेशक आप अमोनिया को किसी भी मेथड से निर्मित कर लें। ठीक, तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार क्या होता है कि दो या दो से अधिक तत्वों के संयोग से बने यौगिकों में तत्वों का अनुपात सदैव क्या रहता है, स्थिर रहता है। यौगिक चाहे किसी भी विधि से तैयार किया गया हो अथवा किसी भी स्रोत से प्राप्त किया गया हो। आगे यहाँ पर मैंने ये पानी वाला एग्जाम्पल दिया है और ये अमोनिया वाला एग्जाम्पल दिया हुआ है। और अब इस नियम के आधार पर ही एक छोटा सा न्यूमेरिकल और है, वो हम सोल्व कर लेते हैं। अब देखिए कि यहाँ आपको दिया हुआ कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन द्रव्यमान के अनुसार 1:8 के अनुपात में संयोग करके जल निर्मित करते हैं, जैसे भी मैंने आपको उदाहरण में समझाया था। 3 ग्राम हाइड्रोजन गैस के साथ पूर्ण रूप से संयोग करने के लिए कितने ऑक्सीजन गैस के द्रव्यमान की आवश्यकता होगी। तो यहाँ देखिए कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो द्रव्यमान है वो कितना है, 1:8 है, यानी 1 ग्राम के लिए आपको 1 ग्राम हाइड्रोजन के साथ आपको 8 ग्राम ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी जल निर्मित करने के लिए। अब ये कहता है कि अगर ये 3 ग्राम है तो आपको यहाँ पर ऑक्सीजन कितने ग्राम मिलेगी। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है कि 1 ग्राम हाइड्रोजन के साथ जल निर्मित करने के लिए आवश्यक ऑक्सीजन बराबर कितना होगा, 8 ग्राम, और 3 ग्राम हाइड्रोजन के साथ जल निर्मित करने के लिए 8 × 3 यानी 24 ग्राम, बस ये आंसर हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, इस लेक्चर में बस इतना ही। अगले लेक्चर में मैं आपको डाल्टन का परमाणु सिद्धांत बताऊंगा क्या होता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, और फिर उसके अंदर क्या क्या कमियां हैं उसको भी हम देखेंगे और उस पर आधारित NCERT बुक के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे।
और आपको मेरा लेक्चर कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।